क्वेश्चन नंबर 401, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, ऑप्शन बी अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के महाभियोग में, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में। इसका आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति के महाभियोग में। क्वेश्चन नंबर 402, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऐसे बिल विधेयक पर विचार करने के लिए जब आयोजित की जाती है कि जब उसे एक सदन ने पारित कर दिया हो तथा दूसरे सदन से निम्नलिखित में से एक अवधि के लिए लंबित किया है, वह अवधि है ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 4 महीने, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। इसका आंसर है ऑप्शन ए 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 403, निम्नलिखित में से वह समिति कौन है जिसमें लोकसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी सार्वजनिक शिकायत समिति, ऑप्शन डी सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसका आंसर है ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 404, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी 1954 में। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1951 में। क्वेश्चन नंबर 405, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल सचिव। इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 406, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, ऑप्शन डी राज्यों की विधानसभाओं में। इसका आंसर है ऑप्शन ए केवल लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 407, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विपक्ष का नेता, ऑप्शन डी निचले सदन का अध्यक्ष। इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 408, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? ऑप्शन ए 1/6, ऑप्शन बी 1/8, ऑप्शन सी 1/10, ऑप्शन डी 1/5। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1/10। क्वेश्चन नंबर 409, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 3 माह।
इसका आंसर है ऑप्शन सी 6 माह। क्वेश्चन नंबर 410। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए विपक्षी दल का नेता, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा का अध्यक्ष। इसका आंसर है ऑप्शन ए विपक्षी दल का नेता। क्वेश्चन नंबर 411। भारत में निम्न में से किस पर किए गए खर्चे के लिए हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी प्राकृतिक संकट, ऑप्शन सी समेकित निधि, ऑप्शन डी आकस्मिक निधि। इसका आंसर है ऑप्शन बी प्राकृतिक संकट। क्वेश्चन नंबर 412। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी अध्यक्ष वित्त आयोग, ऑप्शन सी थल सेना अध्यक्ष, ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। इसका आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 413। अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? ऑप्शन ए भारत की संचित निधि, ऑप्शन बी भारत की आकस्मिक निधि, ऑप्शन सी लेखानुदान, ऑप्शन डी राजकोष से। इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत की आकस्मिक निधि। क्वेश्चन नंबर 414। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन सी बजट सत्र, ऑप्शन डी किसी विधेयक निरूपण। इसका आंसर है ऑप्शन सी बजट सत्र। क्वेश्चन नंबर 415। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह ऑप्शन ए वित्त और बैंकिंग क्षेत्र का व्यक्ति हो, ऑप्शन बी उच्च योग्यता वाला अर्थशास्त्री हो, ऑप्शन सी न्यायपालिका का विशेषज्ञ हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की स्तर का हो, ऑप्शन डी सार्वजनिक मामलों के अनुभव व्यक्ति हो। इसका आंसर है ऑप्शन डी सार्वजनिक मामलों के अनुभव व्यक्ति हो। क्वेश्चन नंबर 416। संसदीय प्रकार की सरकार की एक मुख्य विशेषता है। ऑप्शन ए कार्यपालिका का नियत कार्यकाल, ऑप्शन बी कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन सी कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है, ऑप्शन डी संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका आंसर है ऑप्शन डी संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 417। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1984। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1954। क्वेश्चन नंबर 418। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के प्रति,
ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति, ऑप्शन डी राज्यसभा के प्रति। इसका आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 419, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? ऑप्शन ए महाधिवक्ता, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी वाणिज्य मंत्री, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। इसका आंसर है ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 420, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी वाणिज्य मंत्री, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 421, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? ऑप्शन ए स्थगन, ऑप्शन बी निंदा, ऑप्शन सी कटौती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी कटौती। क्वेश्चन नंबर 222, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। इसका आंसर है ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। क्वेश्चन नंबर 423, निम्नलिखित में से कौन भारत के कानूनों को बनाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा। इसका आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। क्वेश्चन नंबर 424, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी संघीय वित्त मंत्री, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका आंसर है ऑप्शन सी वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 425, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि ऑप्शन ए लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है, ऑप्शन बी संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ऑप्शन सी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। इसका आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है।